माशाल्लाह इस वक्त कहना तो बहुत कुछ है लेकिन दिल की कैफियत कुछ ऐसी हो गई है कि मैं बहुत कुछ जो कहना चाहता हूँ बहुत कुछ ना कह के कुछ ही कहूँगा। और सबसे पहली बात बात हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम अहमद चतुर्वेदी की दामत दरगाह कहूँ कहूँ शायर अवकार जनाब दिल सरादाती साहब शहंशाह तरन्नुम मुज़म्मिल हयात साहब जाहिद आज़मी साहब और जितने भी हमारे अकाबरीन यहाँ इस वक्त मौजूद हैं हजरत मौलाना अल्ताफ़ साहब कासमी हफीज गफूर साहब इमाम खतीब हमारे हाफिज इस्लाम साहब दामो बरकात हो मैं सबों का नाम तो नहीं जानता हमारे मौलाना फरोज साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है तमाम लोगों ने मिलकर ये जो पगड़ी बांधी है मैं उलमाए टेबल जो मसलके हक है आज अभी इसी वक्त में वादा करता हूँ कि ये जो पगड़ी बांधी है ये कफन की शक्ल में इंशाल्लाह कब्र में मेरे साथ जाएगा। ये पहला वादा और दूसरी बात ये है कि ये हकीकत पर मबनी गुफ्तगू हजरत मौलाना अल्ताफ़ साहब दामत बरकातहु ने कर दी हकीकत है। अकाबरीन जितने हमारे इलाके के इन लोगों ने मुझे चलना सिखाया शेर किस तरह से पढ़ा जाता है पढ़ना सिखाया और धीरे धीरे अपनी सरजमीन से निकलते निकलते यूपी की सरजमीन और न जाने कहाँ कहाँ हिंदुस्तान के हर खत्ते में जाके मैंने शोहरत हासिल की नातिया मुशायरा पढ़ा जलसा पढ़ा लेकिन शैतान सबके पीछे लगा होता है। बस मैं सिर्फ यही कहूँगा क्योंकि उलमाए कराम का ये कभी हमारे असलाफ का ये तरीका नहीं रहा कि किसी पे कीचड़ उछाला जाए। बस बस मैं मसलके हक को यानी मसलके देवबंद को छोड़ करके मैं बरेलवी मसलक को इख्तियार किया था 2022 13 मार्च को और एक तरफ से ये भी बहुत अच्छा हुआ इसलिए ये दिल से ये बात कर रहा हूँ मैं अच्छा इसलिए हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं वहाँ क्या है और क्या है ये जाकर के जब मैंने वहाँ देखा और एक अल्लाह के सामने ये जो आफ्ताब रहबर का सर झुकता था थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मजार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह ये सर मजारों की चादर पे झुकने पे मजबूर हुआ चूमने पे मजबूर हुआ और वहाँ के जो पीर हैं उनकी उस पीर की पैर को भी मैंने चूमा है लेकिन जब जब ये अमल मुझसे होता था खुदा की कसम दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी आवाज आती थी कि आफ्ताब रहबर तूने ये क्या कर दिया। मैं अगर चाहता तो अपने मोबाइल के जरिए से सिर्फ फेसबुक लाइव आकर के अपने ग्राफ का इजहार कर सकता था लेकिन जिस मजलिस में जिस पैमाने पे हमने मसलके देवबंद को ठेस पहुंचाया और न जाने अपने अशार के जरिए न जाने कैसे कैसे मिसरों में हमने तंज किया मैं जरूरी समझा कि इसी तरीके से एक इजलास हो और अलादा ऐलान मैंने जो मेरी वजह से जो रुसवाई हुई है उलमाए देवबंद की मैं उस शान को बिल्कुल शान और शौकत के साथ उसको मैं ताजा रखता हूँ। क्या बात है क्या बात है माशाल्लाह आज उलमाए देवबंद यहाँ पे जो हकीकत में उलमाए हक उलमाए सुन्नत है अभी थोड़ी सी हलचल सी मची मैं ये समझ गया कि ये मेरे लिए मोहब्बत है इसलिए कि जहाँ मोहब्बत होती है वहीं सीने में दर्द होता है मैंने कुछ ऐसा ही काम ही कर दिया था कि एक एक लेकिन अल्लाह का फज़ल हुआ मुझ पे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी थी कि अलग ऐलान आ करके मीडिया के सामने मैं अपने बरात का इजहार करता हूँ पर अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक मुझे मसलके देवबंद पर कायम रख। आइए हजरात बस ये मेरे कुछ जुमले थे अब चार नारे हाँ और माशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद न जाने हमसे कैसे कैसे कलमात चाहे वो मिसरे की शक्ल में हो या जैसे भी हो तो सबसे पहले मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं पहला कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ये भी अल्लाह की बारगाह में ये मोहब्बत है माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह बस माशा बस कीजिए आपकी ये जो मोहब्बत है यही बहुत है। अब मैं यहाँ कुछ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपने बिल्कुल बिल्कुल वो चार विषय में जरूर पढ़ूंगा और चार विषय में अपनी अकीदत